फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग अपना अपना पेट भरने के लिए क्या करते रहते हैं, ऊंचे नीचे कार्य करते रहते हैं, उन्हें ऊंच नीच के कार्य में के विषय में पता ही नहीं होता है कि ये जो काम किया जा रहा है ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब होता है। धर्म अधर्म करी, और न ही उन्हें ये पता होता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये धर्म के अनुसार है या अधर्म के अनुसार है, इसका वो कोई भी विशेष ध्यान नहीं रखते और वो अपने कार्य में लीन होते हैं। पेटी को पचत बेचत बेटा बेट की, पेटी को पचत है, पचत होता है मारना, पचत क्या है मारना, बेचत बेचत होता है बेच देना, बेटा बेट की आप अपने बेटा बेटे को बेट की लड़की को। और फिर कवि तुलसीदास जी ने बताया है कि इस संसार के लोग अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी वो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, ताकि वो अपने बेटा या बेटी को बेचकर अपने पेट की जो आग है उसको वो शांत कर सके। तुलसी बुझाई एक रामगन श्याम ही थे, आगे बड़ वागिन थे, बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुझाई बुझाना यानी कि संतुष्ट करना, शांत करना, एक राम घनश्याम ही थे, एक राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, बैवर्ण की आवृत्ति से, पैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार, मैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और इस पंक्ति में रूपक अलंकार है कि घनश्याम, घनश्याम होता है घन बादल, श्याम यानी कि काला, बादलों के समान काले, अर्थात श्री राम जी के लिए प्रयोग किया गया। बड़वागीते, बड़वागीते होता है जंगल की आग, आगी पेट की, आगी पेट की से मतलब है भूख से। अब कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम है, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जो पेट की आग है, मुझे जो भूख लगी थी उसको तो उस बादलों के समान काले श्री राम जी ने ही संतुष्ट किया, बुझाया है। आधार कहने का तात्पर्य ये है, कवि का आशय ये है कि तुलसी जी पर श्री राम जी की जो कृपा दृष्टि है वो हमेशा बनी रही है, और इसलिए उन्हें कभी भी भूख का एहसास नहीं हुआ। कवि तुलसीदास जी कहते हैं आगी बड़ वागी ते बड़ी है आगी पेट की, कि ये जो पेट की आग है ये तो समुद्र की आग से भी ज़्यादा भयंकर होती है, और इस पेट की आग को अगर शांत किया जा सकता है तो वो सिर्फ राम जी की कृपा दृष्टि से ही शांत किया जा सकता है, राम जी की भक्ति से ही उसे शांत किया जा सकता है, अन्यथा ये जो समुद्र की भांति ये जो पेट की आग है इसको शांत नहीं किया जा सकता। राम घनश्याम में एक राम घनश्याम ही थे, रूपक अलंकार विद्यमान है, समस्त पद में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, कविच्छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा है, और दृश्य बिंब का प्रयोग है, अविदा सदशक्ति का प्रयोग है, और ओजगुण विद्यमान है, करुण रस विद्यमान है।